तो इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि क्या रेट्स IOQM इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स। तो ये इसमें सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, कैसे आप तैयारी करोगे इसके बारे में, हाउ विल यू अप्रोच दिस एग्जाम और क्या क्या स्टेजेस हैं। आई हैव मेड अ PPT आफ्टर माई कॉलेज, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव मेड अ PPT, सो देखते हैं। और ये कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे बता देना कमेंट्स में, जो भी डाउट होगा आई विल ट्राई टू क्लियर इट, और जैसा भी चीज होगा समझ में आए तो मुझे बताना, ठीक है। तो सबसे पहले तो नाम चेंज हो गया है क्वालिफाइंग एग्जाम का, PRM की जगह IOQM हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस PPT में और दूसरी चीजों को समझते हैं। देखो पिछले सालों में क्या होता था, पिछले सालों में आपकी स्टेजेस इस तरीके से होती थी कि पहले आपको PRMO होता था, उसके बाद PRMO के लिए आप सभी जानते हो किस तरीके से PRMO अप्रोच होता था, फिर इसके बाद दूसरी स्टेज आती थी RMO की। RMO में आपके पास जैसे PRMO में किसी एक रीजन से 300+60, 300 मतलब 8, 9, 10 से मिला, 8, 9, 10, 11 मिला के 300 स्टूडेंट्स, और 60 स्टूडेंट्स 12 के यानी 360 स्टूडेंट फॉर्म अ रीजन। पूरे इंडिया में 25 रीजन है, 25 रीजन है, तो वो RMO में अपियर होते थे, फिर उसमें से INMO में क्वालिफाई करते थे, उसके बाद इन लोगों का ट्रेनिंग कैंप होता था, देन इनके प्री डिपार्चर कैंप होता था जिसमें इनको अलग से कुछ सेशंस लिए जाते थे, इसके बाद ये लोग इंडिया में इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स ओलंपियाड में इंटरनेशनल लेवल पे, और इंडिया ने बहुत सारे गोल्ड्स जीत रखे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो इंडियंस क्योंकि थोड़ा सा मैथ्स में तेज होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, तो इसलिए ये एग्जाम्स हम लोगों के लिए कोई बहुत टफ नहीं होता अगर हम लोग अच्छे से पढ़ाई करें तो। तो ये तुम्हारे पास इसकी स्टेजेस हैं जो लास्ट ईयर तक थी, इस साल क्या नई अपडेट है वो हम लोग देखते हैं। देखो तो इस साल सिचुएशन ये हो गई है कि अपनी जो स्टेजेस हैं वो तीन स्टेज हो गई है। सबसे पहली स्टेज INMO जिसमें IOQM जिसमें आपका RMO को हटा दिया गया है, तो दिस इज एन एग्जाम इक्विवेलेंट टू PRMO एंड PRMO, और ये एग्जाम RMO का कॉम्बिनेशन समझ लो। इट मींस इन दोनों से जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे वो लोग, मतलब इस एग्जाम से जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे वो लोग INMO में अपियर होंगे। पिछले साल तक क्या होता था कि पहले बच्चे PRMO देते थे, जो बच्चे PRMO क्वालिफाई करते थे वो RMO देते थे, फिर RMO क्वालिफाई करने के बाद INMO दे पाते। लेकिन इस बार आप PRMO और RMO दो चीजों की जगह आप केवल और केवल एक ही एग्जाम दोगे, एक क्वालिफाई एग्जाम दोगे IOQM। तो IOQM जो एग्जाम होगा 3 घंटे का एग्जाम होगा, उसका पैटर्न जो अभी टेंटेटिव बताया गया है वो सिमिलर टू PRMO बताया गया है, मतलब जैसे PRMO का पैटर्न था कि 3 घंटे में 30 क्वेश्चंस हैं और डबल डिजिट में आंसर होता था, उसी तरीके का पैटर्न IOQM का भी बताया गया है। वो सब टेंटेटिव है, फिक्स्ड कुछ इंफॉर्मेशन आएगी तो वो भी मैं शेयर करूंगा तुम लोगों के साथ, जो भी इंफॉर्मेशन आती जाएगी उसको शेयर करता था। तो इसके बाद 4 घंटे का ये एग्जाम होगा INMO, इसमें भी जो पैटर्न बताया गया है INMO का, 4 घंटे में 6 क्वेश्चन जो हमें डिटेल में आंसर करने होते हैं, उस तरह का पैटर्न रहेगा। और इसके बाद इनका ट्रेनिंग कैंप होगा, देन ये लोग इंडिया को मैथमेटिक्स ओलंपियाड में इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये सारे लोग जो इस ट्रेनिंग कैंप तक पहुंचेंगे, ट्रेनिंग कैंप में क्या होता है कि कुछ चीजें इनको बताई जाती हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ाई भी जाती हैं, लेक्चर्स भी लिए जाते हैं, प्रैक्टिस भी कराई जाती है, उसके बाद ये लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये इस साल की अपडेट्स है, बेसिकली ये अब 3 स्टेज का रह गया है। तो आगे देखते हैं इन 3 स्टेजेस में क्या क्या अभी तक जो डिक्लेयर हुआ है उसके बेसिस पे, जो अभी नोटिफिकेशंस आए हैं उस बेसिस पे ही हम लोग देख रहे हैं कि इन 3 स्टेजेस में क्या है। तो सबसे पहले देखो आपको IOQM का पैटर्न मैं बता रहा हूँ, जैसा कि दिया हुआ है साइट पे, दिया हुआ IOQM का पैटर्न उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ।
IOQM का जो पैटर्न दिया हुआ है साइट पे, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है, इस पैटर्न में क्या है कि 30 क्वेश्चंस हैं सिमिलर टू PRMO, इंटीजर आंसर, इंटीजर भी कैसे, डबल डिजिट के आंसर्स, डबल डिजिट मतलब 00 से लेके 99 तक वेरी करेंगे। तो एक अप्रोक्सीमेशन ये है कि इसका जो पेपर रहेगा दैट इज ऑफ सिमिलर लेवल टू PRMO, हो सकता है क्योंकि RMO स्किप किया गया है तो हो सकता है कुछ डिफिकल्टी लेवल इसमें बढ़ा दिया है, कुछ डिफिकल्टी लेवल इसमें बढ़ा दिया है, ठीक है। तो और इसमें पैटर्न क्या रहेगा एग्जाम में, इतने जैसे लास्ट ईयर तक का पैटर्न भी मैं अभी बताऊंगा तुम लोगों को। लास्ट ईयर तक क्या होता था कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते थे, 3 मार्क्स के होते थे, 5 मार्क्स के। तो अभी तक तो यही टेंटेटिव रखा गया है कि यही सब पैटर्न रहेगा, लेकिन फाइनल डिसीजन जब वो लोग साइट पे डालेंगे उसी के बाद हम लोग कुछ अज्यूम कर सकते हैं। तो टेंटेटिव डेट जो इसका रखा गया है वो 17 जनवरी रखा गया है, 17 जनवरी, ये भी टेंटेटिव है। एवरीथिंग राइट नाउ इज कंसिडर्ड एज टेंटेटिव, ठीक है। ये 17 जनवरी रखा गया है, दिस मे चेंज, ये बदल सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, कोविड की सिचुएशन क्या होती है अपनी कंट्री में, उसके बाद ये चेंज हो सकता है। तो एग्जाम का ड्यूरेशन 3 घंटे का रहेगा, 9 to 12 PM, 9 AM to 12 PM रहेगा। और इसके लिए जो एनरोलमेंट्स हैं वो आपको IAPTExam.in पे ही कराने होंगे, जैसे आप लास्ट ईयर तक कराते आए हो। इस एनरोलमेंट्स के बारे में जो सूचनाएं हैं वो आपको 15 अक्टूबर या 15 अक्टूबर मान के, एक टेंटेटिव मान के चल रहे हैं कि 15 अक्टूबर से एनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। रेस्ट जो एलिजिबिलिटी है और एनरोलमेंट के जो कंडीशंस वगैरह हैं वो उनको आपको अनाउंस कर दिया जाएगा शॉर्टली, ये भी इसमें दिया हुआ है। ये सब अवेलेबल है आपको साइट पे, जो इंफॉर्मेशन है उसी के बेसिस पे बता रहा हूँ। एंड कंसिडर एवरीथिंग एज टेंटेटिव फॉर नाउ, अभी सब चीजों को टेंटेटिव कंसिडर करके हम लोग चलेंगे, अभी कोई चीज फाइनल नहीं कंसिडर करके चलेंगे। ये सब कोविड की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कोविड की सिचुएशन कैसी है। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट स्टेज होगी INMO, तो नेक्स्ट स्टेज जो INMO होती है उस स्टेज में जैसे लास्ट ईयर तक जो होता था 4 आवर्स का एग्जाम होगा जिसमें 6 क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर हमें डिटेल में करने होंगे, इसकी टेंटेटिव डेट रखी गई है 7th मार्च, ये भी अगेन टेंटेटिव है। और ये 4 घंटे का एग्जाम होगा, और इसमें क्या होता है, इसमें कैसे आंसर करते हैं हम लोग, पूरा जो क्वेश्चन दिए रहते हैं, 6 बहुत टफ क्वेश्चंस रहते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर जो हमें देने होते हैं पूरे डिटेल में आंसर करना होता है। अगर हम केवल आंसर निकाल के चले आएंगे तो हम लोगों को मार्क्स नहीं मिलते हैं, हम लोगों को पूरे स्टेप्स कायदे से एक एक स्टेप करके लिखना होता है कि हाउ वी आर अप्रोचिंग टू द आंसर। अगर ओनली आंसर निकाल के आएंगे तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। अगेन इसमें स्टेप मार्किंग भी होती है, टिल लास्ट ईयर जो इसमें होता है स्टेप मार्किंग का भी कॉन्सेप्ट होता है, जैसे आप स्कूल वगैरह में एग्जाम्स देते हो तो स्टेप मार्किंग का कॉन्सेप्ट इसमें भी होता है। इसके भी क्राइटेरिया जो होंगे वो अनाउंस किए जाएंगे, जल्दी ही अनाउंस किए जाएंगे कि IOQM से INMO तक कितने बच्चों को वो लेंगे और INMO से IMOTC तक कितने बच्चों को वो लेंगे, ये क्राइटेरियाज भी अनाउंस किए जाएंगे फर्दर। तो इसके लिए आप साइट से चिपके रहें, जो भी अपडेट्स आता जाएगा वो मैं तुम लोगों को बताता ही जाता हूँ क्लासेस में, और साइट्स पे भी चिपके रहें, देखते रहें अपने लेवल पे भी कि क्या कोई नया अपडेट्स आया है इसमें, क्योंकि अभी तक ये सब टेंटेटिव ही कहा जा रहा है। इसके बाद देखो तो अब हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि इस साल का अभी तक कुछ पिक्चर क्लियर नहीं हुआ है कि पैटर्न क्या रहेगा, क्वेश्चंस कितने रहेंगे, तो थोड़ा सा एक नजर डाल देते हैं लास्ट ईयर के PRMOs के पैटर्न्स पे। तो लास्ट ईयर्स के PRMO के पैटर्न्स जो हैं वो तुम लोगों के इस तरीके से हैं कि 3 घंटे का एग्जाम होता था, 3 घंटे के एग्जाम में आपसे पूछते थे 30 क्वेश्चन, ये टोटल टोटल मिला के 30 क्वेश्चन आपसे पूछते, और ये 30 क्वेश्चन जो आपसे पूछते थे वो टोटल 102 मार्क्स के होते थे, टोटल ये 102 मार्क्स के होते थे। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6 2 मार्क्स के होते थे जो बहुत इजी कंसिडर किए जाते हैं विद रेस्पेक्ट टू PRMO लेवल, इनको आप कह सकते हो कि ये इजी आंसर टाइप,
फिर इनका लेवल थोड़ा सा टफ रहता था और इनका लेवल वेरी टफ में कंसिडर किया जाता था। आप ये समझ लो कि इजी, मॉडरेट और वेरी टफ, इन तीन लेवल्स में इस एग्जाम को बांटा गया था। अब तो लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर का पैटर्न बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है, जो लोग फर्स्ट टाइम अपियर कर रहे हैं उनके लिए पीआरएम में होता क्या है, तो और इसका पैटर्न क्या होता है, इसमें क्या क्या डिफिकल्टी लेवल होते हैं। तो ये जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, दीज आर बेस्ड ऑन सिंपल कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको आसान कॉन्सेप्ट्स आते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग चला गए, तो 2 2 मार्क्स के क्वेश्चन लगभग लगभग सारे सही कर सकते हैं। 3 मार्क्स के लिए आपको और ज्यादा चीजें जाननी होती हैं। 5 मार्क्स को सॉल्व करने के लिए आपके ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको लॉन्ग आंसर कंसिडर किया जाता है, जिसमें हो सकता है एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स भी इन्वॉल्व। ये लास्ट ईयर तक का पीआरएमओ का पैटर्न रहा। इसके बाद देखो नेक्स्ट देखते हैं, तो कट ऑफ क्या था, क्योंकि हम लोग यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी में क्या कट ऑफ था लास्ट ईयर। देखो कट ऑफ कितना कम, और ये यूनिफॉर्म फ्रॉम क्लास 8 to 11th है, 17 मार्क्स। 17 मार्क्स आउट ऑफ 102 आप आसानी से इसका परसेंटेज निकाल सकते हो कि आपको कितना परसेंटेज स्कोर करना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इसलिए आप अगर आंसर निकाल रहे हो तो आपका आंसर जो भी आया आप उसको आराम से मार्क कर सकते हो विदाउट द फियर ऑफ नेगेटिव मार्क, बिना नेगेटिव मार्किंग के फियर। यही 12th अपियरिंग स्टूडेंट्स के लिए यही कट ऑफ जो होता है 25 मार्क्स का हो जाता है, क्योंकि जो पेपर होता है वो यूनिफॉर्म रहता है 8 to 12। इसीलिए, क्योंकि इस एग्जाम में 8 से लेके 12th तक के सारे बच्चे अपियर कर सकते हैं, आप डिफिकल्टी लेवल समझ सकते हो कि कोर्स जो रहता है, सिलेबस जो रहता है फ्रॉम क्लास 8 to 10th और मैक्सिमम 11th तक ही जाता है, लेकिन क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल हायर क्लासेस के बच्चे अपियर करते हैं, इसलिए उसको बहुत बढ़ा दिया जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों को इंडिया को रिप्रेजेंट करना है ऑन इंटरनेशनल लेवल, तो इंटरनेशनल लेवल पे हमें अगर इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, गोल्ड लेके आना है, तो हम लोगों को ज़्यादा चीज़ें आनी चाहिए, हम लोगों को बहुत मैथ्स में डीप नॉलेज होनी चाहिए। तो ये लास्ट ईयर का कट ऑफ था 17, उससे पहले का कट ऑफ तो और कम था, 15 मार्क्स था। देखो उससे पहले का कट ऑफ तो ओनली 15 मार्क्स था, केवल 15 मार्क्स, और 12th का कट ऑफ था 22 मार्क्स। अच्छा, कंपैरिजन अगर किया जाए तो एक छोटा सा कंपैरिजन मैं ये बता सकता हूँ कि लास्ट ईयर का जो पीआरएमओ था दैट वाज थोड़ा सा इजियर देन 2018, और ये कट ऑफ हो सकता है बढ़े आने वाले सालों में, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा इस तरफ आया है, पीआरएमओ की तरफ इंटरेस्ट आया है। क्योंकि एक नॉर्मल जनरल थियोरी कंसिडर की जाती है कि जो लोग पीआरएमओ क्वालिफाई कर लेते हैं, मैंने बोला पीआरएमओ जो लोग क्वालिफाई कर लेते हैं उनका जेई मैथ्स अल्टीमेटली अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। जो लोग पीआरएमओ क्वालिफाई कर लेते हैं उनका जेई मैथ अल्टीमेटली बहुत अच्छा हो जाता है। तो एक थ्योरी ये होती है कि इफ यू कैन क्लियर पीआरएमओ यू कैन इजीली क्लियर जेई। अगर आप पीआरएमओ को क्वालिफाई कर सकते हैं तो आसानी से आप जेई को क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर जितना लेवल तक आप पहुंच सकते हो पीआरएमओ में, उतनी रैंक्स आपको मिल सकती है जेई एडवांस्ड। मेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं पूरी बात एडवांस की कर रहा हूं। तो इस कट ऑफ बेसिस पे और लास्ट ईयर्स के पेपर्स के बेसिस पे भी मैं आपको ये चीज बता सकता हूँ कि 2019 पेपर वाज रिलेटिवली इजी देन 2018। ये थोड़ा सा आसान था पिछले 19 से, 19 का पेपर 18 के पेपर से आसान। नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं इसमें, वही देखने लाइक। तो इसमें देख लेते हैं भाई, एलिजिबिलिटी क्या थी अप टू लास्ट ईयर, लास्ट ईयर तक एलिजिबिलिटी क्या थी। तो लास्ट ईयर तक एलिजिबिलिटी ये थी कि ये सब लोगों को अब समझ में आ गया होगा, 8 to 12th वाले स्टूडेंट्स इसमें अपीयर कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर तक ये डेट ऑफ बर्थ का जो
क्राइटेरिया था वो 1 अगस्त 1999 था, इंडियन नेशनलिटी के होने चाहिए। अच्छा, ये चीज मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि इंडिया में 25 रीजन होते हैं, 25 रीजन्स में बांटा गया है, हर रीजन में इतनी सीट्स रिजर्व रहती हैं। तो इफ वी मल्टीप्लाई दीज सीट्स बाई 360, तो आप कंसिडर कर लो कि इंडिया में टोटल टोटल इंडिया में 9,000 बच्चे क्वालिफाई करते हैं पीआरएम। तो ये 9,000 जो बच्चे होते हैं, ये 8 to 12th यानी 8वीं से लेके 12वीं तक के बच्चे होते हैं, केवल एक क्लास के नहीं होते हैं, ये 8 to 12th होते हैं, इसलिए थोड़ा कंपटीशन इसमें ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इसमें जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय और केवी यानी केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के लिए थोड़ा सा रिजर्वेशन भी होता है कि 5% सीट्स जो होती हैं वो जेएनवी के बच्चों के लिए रिजर्व रहती हैं और 1% सीट केवी के बच्चों के लिए रिजर्व रहती है। ये थोड़ा सा इसके लिए फायदा होता है जेएनबी और केवी वाले बच्चों को, जेएनबी यानी जवाहर नवोदय विद्यालय और केवी मतलब केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को, यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज रहता है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है भाई। तो ये एनरोलमेंट का प्रोसीजर था, आप ऑनलाइन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जेएनबी और केवी के बच्चों के लिए स्कूल के थ्रू अप्लाई होता है ये चीज। अच्छा, ये एनरोलमेंट फीस थी, फॉर्म फीस कह लो, कि केवी के बच्चों के लिए 125 थी और जेएनबी के बच्चों के लिए 100 रुपीज थी और रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए 230 रुपीज थी। यू कैन अप्लाई ऑनलाइन, आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसी कोविड की सिचुएशन अभी है, अगर ये कंटिन्यूस रहती है तो मुझे लग रहा है कि केवी और जेएनबी के बच्चों को भी ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। बट जैसा फीस लास्ट ईयर था, फीस में हम लोग कोई चेंज ना कंसिडर करें, मतलब फीस में हम लोग यही समझें कि लगभग यही फीस इस ईयर भी रहेगा इसके लिए। तो ये इसके लिए एनरोलमेंट क्या होता है, कैसे करते हैं एनरोलमेंट, इसके लिए सारी चीजें हैं। फिर देखो नेक्स्ट चीज देखता है, तो ये थोड़ा सा सिलेबस की और बात कर लेते हैं हम लोग। पीआरएमओ का एग्जाम टफ क्यों होता है, या पीआरएमओ एक एग्जाम में कम लोग इंटरेस्ट क्यों दिखाते हैं इन विद रेस्पेक्ट टू जेई। अगर आप देखोगे कि जो लोग जेई में अपियर होते हैं वो अप टू 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख इतनी तक संख्या पहुंच जाती है, लेकिन पीआरएमओ में कम बच्चे अपियर करते हैं। इसका एक वन ऑफ द रीजन है कि इसका सिलेबस जो होता है वो एक तरीके समझ लो कि ये पूरा सिलेबस एक कॉलेज से पहले जो रिक्वायरमेंट होती है, प्री कॉलेज जो रिक्वायरमेंट होती है वो होता है। तो प्री कॉलेज यानी कॉलेज जाने से पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो ये सारा इस सिलेबस के थ्रू हम लोग कवर कर सकते हैं। इंटीजर्स का अर्थमेट, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ज्योमेट्री में देखो बहुत जरूरी पार्ट है ज्योमेट्री इसका। और ज्योमेट्री में क्या होता है, नॉर्मली नॉर्मली बता रहा हूँ, आपने एंगल्स के बारे में देखा, ट्राइंगल्स देखा, क्वाड्रेटल देखा, सर्कल देखा, उसके अलावा जो ज्योमेट्री रहती है वो ट्राइंगल से एसोसिएटेड यानी सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से एसोसिएटेड भी हो सकती है। वेरियस टाइप ऑफ टर्म्स का यूज, थियोरम्स का यूज, इसलिए ज्योमेट्री इसमें बहुत वेस्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है ज्योमेट्री इसमें, क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सारी थियोरम्स हमें पढ़नी होती है जिनका हमें अप टू क्लास 10th 11th 12th तक अपने सिलेबस में, ना तो किसी बोर्ड में, ना तो एनसीईआरटी से, सीबीएसई बोर्ड में, ना आईसीएसई बोर्ड में, ना जेई के सिलेबस में कोई रिलेशन नहीं होता, ऐसी बहुत सारी थ्योरम्स हमें इसमें सीखनी होती। तो इसलिए ज्योमेट्री इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है, क्योंकि रेस्ट ऑफ द टॉपिक हम कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, रेस्ट ऑफ द टॉपिक हम लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से थोड़ा बहुत सीखते जाते हैं। कम से कम समझ लो एक टच तो मिलता जाता है, थोड़ा बहुत टच तो हमें मिलता जाता है, लेकिन ज्योमेट्री के लिए हम लोगों के स्पेशली पूरी ज्योमेट्री स्टार्टिंग से A to Z एक एक थ्योरम और कॉन्सेप्ट करके जाना हो। इसके अलावा देखो बाकी के जो चैप्टर्स हैं उसके बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन ये आप क्लास 10th से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, ट्रिग्नोमेट्री आप क्लास 10th से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, 10th एंड बियॉन्ड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी 10th से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन 11th में जाके पढ़ते हो पहली बार।
पॉलिनोमियल्स आप 9th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, इनइक्वालिटीज भी आप 9th से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, कॉम्बिनेशन की एलिमेंट्री चीजें 11th क्लास से पहली बार आपके टच में आती हैं, प्रोबेबिलिटी और नंबर थ्योरी थोड़ा थोड़ा करके आपकी क्लास 8th में स्टार्ट हो जाती है दोनों चीजें। नंबर थ्योरी तो ऐसी चीज है जो आप बचपन से पढ़ते आते हो, नंबर थ्योरी तो ऐसी चीज है जिसको आप बचपन से पढ़ते आते हो, चाइल्डहुड से आप पढ़ते आते हो, नंबर थ्योरी ऐसी चीज है। प्रोबेबिलिटी आप क्लास 8 से स्टार्ट करते हो, 8th से प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट आते हैं। इसके अलावा देखो फाइनाइट सीरीज एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ये टोटली और टोटली 11th और उसके बियॉन्ड की चीजें हो जाती हैं। और ग्राफ की जो थियरी होती है, जिस ग्राफ को भी आप 9th क्लास से थोड़ा थोड़ा या 8th से ही समझ लो, कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। तो अगर इस पे एक ओवरव्यू देखा जाए तो दिस ऑल इज सिलेबस जो है वो 8th से लेके 11th तक का मैथमेटिक्स है। तो आप किसी भी क्लास में रहे, अगर आपको टारगेट करना है PRMO को, अगर आपको टारगेट करना उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेजेस भी टारगेट करनी है, तो इतना पूरा सिलेबस हमें कवर करना पड़ेगा। इसीलिए ये जो एग्जाम होता है इसको हम अगर दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक 8th to 10th वाली कैटेगरी, एक 11th 12th वाली कैटेगरी, दो कैटेगरी में मैंने इसको बांट दिया। इन दो कैटेगरी में क्यों बांटा? क्योंकि देखो जब आप इस कैटेगरी में हैं तो आपके लिए इसमें से बहुत सारी चीजें हैं जो अनअवेयर हो आप, इवन ऐसी चीजें भी, ऐसे चैप्टर्स भी दिख रहे हैं जिनके आपने नाम भी नहीं सुने होंगे अगर आप इस कैटेगरी में हो, ठीक है? तो वो चीजें पढ़नी पड़ती है अलोंग विद आवर सिलेबस, हमारा जो सिलेबस चल रहा है उसके साथ साथ वो चीजें भी हमें पढ़नी पड़ती है। इसके अलावा देखो दूसरी कैटेगरी जो है 11th एंड 12th, इस कैटेगरी में क्या होता है, इस कैटेगरी में लोग IIT एडवांस मेंस और एडवांस की तरफ थोड़ा सा ज्यादा डेविएट हो जाते हैं, तो जो पिछले सालों वाली चीजें होती हैं, 8th to 10th वाली चीजें होती हैं, उनके टच में उतना ज्यादा नहीं रहती। तो दोनों कैटेगरीज की अलग अलग समस्याएं हैं भाई, 8th to 10th वाली कैटेगरी की अलग समस्या है, 11th to 12th वाली कैटेगरी की अलग समस्या है। इसीलिए ये एग्जाम एकदम समझ लो कि आपके, आप किसी भी इन दोनों में से किसी में भी रहें, आपको पूरा सिलेबस कवर करना रहेगा, ठीक है? दोनों कैटेगरीज के अलग अलग सिचुएशंस हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। इसको इस कैटेगरी के लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स देखे नहीं होते हैं, तो उनको वो पढ़ना होता है, और इनका काफी सारे चैप्टर्स से टच छूट गया होता है, तो उनको वो चीजें फिर से पढ़नी होती है। तो ये अलग अलग सिचुएशंस हैं दोनों कैटेगरीज। आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं देखो इसमें जानने लायक, और क्या क्या चीजें जानने लायक है देखो। तो इसमें देखो थोड़ा सा फायदा होता है कि कैलकुलस और स्टैटिस्टिक्स नहीं डालते हैं, कैलकुलस जो कि 12th का पार्ट होता है उसको बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करते हैं, स्टैटिस्टिक्स भी इन्वॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स वैसे तो कॉलेज में अगर जाओगे आप तो कॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टैटिस्टिक्स, लेकिन इसके सिलेबस में इंक्लूड नहीं करते हैं। 12th में कैलकुलस ही कैलकुलस, बहुत ज्यादा कैलकुलस होता है, उसको भी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ऐसा ये तुम लोगों के लिए थोड़ा सा सजेशन है कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये जो टॉपिक पीछे मैंने दिए हुए थे उनको कवर करना है हमें, बाकी टॉपिक्स पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, बाकी टॉपिक्स पे आपको टाइम नहीं वेस्ट करना। तो मेजर टॉपिक्स ये समझ लो एलजेब्रा हो गया, कॉम्बिनेटिक्स कॉम्बिनेशंस के कॉन्सेप्ट्स हो गए, ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट हो गए, और नंबर थ्योरी। तो बेसिकली एलजेब्रा, ज्योमेट्री और नंबर थ्योरी, ये चार जो टॉपिक्स हैं इनको हम अपना एक तरीके से बेस मान लें कि भैया ये PRMO का बेस है, इनको तो बहुत अच्छे से हमें करना है, PRMO के आगे आने वाली स्टेजेस का भी बेस है ये, इनको हमें बहुत अच्छे से। तो एक स्ट्रेटजी जो बाकी के जो रिकमेंड की जाती है एक स्ट्रेटजीज के लिए कि पिछले सालों के सैंपल पेपर्स सॉल्व करो, पिछले प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व करो और सैंपल पेपर सॉल्व करो, तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से पूछ रहे हैं। बट दिस इज नॉट
गारंटेड थिंग कि भाई ऐसा जो पिछले सालों में पूछा गया है उसी तरह का इस साल भी पूछा जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है इन चीजों। लेकिन एक ये क्वेश्चंस का पैटर्न और लेवल समझने के लिए आप इस चीज को पढ़ सकते हो, इस चीज को देख सकते हो। तो ये एक चीज आई है कि हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, हम लोग अपनी क्लासेस में IOQM को कैसे अप्रोच करेंगे। तो देखो, एक तो तुम लोगों की अभी जो चल रहा है ज्योमेट्री सीरीज चल रहा है जो मेरा, उसको कंटिन्यू रखो, ज्योमेट्री सीरीज को कंटिन्यू रखो। ज्योमेट्री सीरीज में मैंने आपको लिखा हुआ है कि वो स्पेशली फॉर PRMO है, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। बेसिक टू एडवांस यानी जिसको ज्योमेट्री में कुछ नहीं आता है वो अगर PRMO एस्पिरेंट है, PRMO निकालना चाहता है, तो उसको लेक्चर वन से देखना स्टार्ट करते। दूसरा एक और नंबर थ्योरी सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं फॉर PRMO, इसमें भी हम लोग बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जो नंबर सिस्टम होता है यानी नंबर से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सारी चीजें A to Z इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो अभी हम लोगों की अप्रोच इस तरीके से रहेगी। बाकी का प्रैक्टिस के लिए क्या है, आपको हर सैटरडे को चैलेंजर्स मिलते हैं, उनको अच्छे से सॉल्व करो, उनको डिस्कशन में लेके आओ, उनको डिस्कस करो और कीप देम विद यू। आप उनको अपने पास रखो, जो टॉपिक्स अभी आपने कवर नहीं किए हैं वो टॉपिक बाद में जब वो कवर हो जाए तो उन्हीं चैलेंजर्स से आप रिवाइज करो। अच्छा, जब लास्ट मंथ होगा, जैसे दिसंबर इज कंसिडर्ड एज लास्ट मंथ, तो हम लोग टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। ये टेंटेटिव हम लोग दिसंबर में टॉपिक वाइज इसकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे फॉर PRMO, और ये टॉपिक, अच्छा, IOQM के लिए। अच्छा, इस टॉपिक वाइज सीरीज का जो पैटर्न रहेगा वो वही रहेगा जो IOQM का पैटर्न वो डिक्लेयर कर देंगे, वही पैटर्न इस टॉपिक वाइज सीरीज का रहेगा। प्रॉब्लम सीट्स, अच्छा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करें, तो जब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ PRMO चैलेंजर्स की जो प्रॉब्लम सीट्स हैं या क्वेश्चंस रहेंगे उनको डिस्कस, उनको दिया करेंगे, क्वेश्चंस दिया करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल के रहेंगे। एक नॉर्मली आप अगर देखोगे तो इंडिया में एक पैटर्न चल गया है कि कहीं कोई स्टडी मटेरियल होता है और लोग उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, कहीं कोई एक स्टडी मटेरियल होता है उस लोग उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, सिंगल स्टडी मटेरियल। तो बेटा ना तो सिंगल स्टडी मटेरियल आपकी हेल्प करेगा ना कोई सिंगल बुक आपकी हेल्प करेगी, आपको हर कॉन्सेप्ट मजबूती से सीखना होगा और उसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये जो शीट्स रहेंगी, जो क्वेश्चंस की शीट्स रहेंगी, उसमें आपके पास डाइवर्स क्वेश्चंस रहेंगे जिसके आपका दिमाग हर डायरेक्शन में चले, आप हर डायरेक्शन में सोच पाए, इस तरीके के क्वेश्चंस मैं देने की कोशिश करूंगा थ्रू दिस PRMO शीट्स, जिसमें हम काफी क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। और फिर टॉपिक वाइज टेस्ट एंड डिस्कशन में आपकी जो प्रिपरेशन है उसको अलग एज मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब मेरी थोड़ी सी एडवाइस हर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। देखो, मैंने कैटेगरीज तुम लोगों की ऑलरेडी बता दी है, कैटेगरीज मैंने तुम लोगों की बता दी है। अगर आपको मैथमेटिक्स सॉल्व करने, अगर आपकी मैथमेटिक्स सॉल्विंग स्ट्रांग है, तो आप डेफिनेटली एक IOQM एस्पिरेंट है। अगर आप सॉल्विंग, सॉल्विंग का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन दिखता है और हमें लालच आता है कि भाई ये क्वेश्चन तो हमें सॉल्व करना चाहिए, हमें लालच आता है कि ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना चाहिए, हम इसको कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एबिलिटी। अगर ये सॉल्विंग एबिलिटी आपकी स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को अप्रोच कर सकते हैं। तो डायरेक्शंस जैसा जैसा मैं बताता जाऊंगा, मेरी क्लासेस जो होती रहती हैं, मेरी क्लासेस में मैं हर चीज के बारे में बताता जाता हूँ और इनके क्वेश्चंस भी बताते जाता हूँ, बताता जाता हूँ कि ये चीजें कब मिलती हैं, कहाँ मिलेंगी, PRMO में किस जगह हेल्प करेंगी, उनको सॉल्व करो एंड डेफिनेटली सॉल्व दिस चैलेंजर। इन चैलेंजर्स को जरूर सॉल्व करो, ये समझ लो कि ये चैलेंजर्स आपके लिए एक तरीके से मिनी PRMO है,
ये चैलेंजर्स आपके लिए मिनी पीआरएमओ हैं, इन चैलेंजर्स को अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है, इन चैलेंजर्स को एकदम अच्छे से सॉल्व करो। तो एक थोड़ी सी चीज हर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, नंबर थ्योरी आपको बचपन से सिखाई जाती है, बचपन से नंबर थ्योरी सिखाई जाती है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देखें, वो नंबर थ्योरी के लिए आप बचपन से अपने नोट्स, जब जिस भी क्लास में आते हो, आप नंबर थ्योरी के लिए नोट्स को प्रीवियस ईयर्स की क्लासेस से भी कलेक्ट कर सकते हैं। ज्योमेट्री एक ऐसी चीज है जो स्टार्ट होती है, स्टार्ट तो बहुत पहले से हो जाती है, लेकिन ढंग की ज्योमेट्री थोड़ा सा स्टार्ट होती है 9 जब आपके ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी की कुछ थ्योरम्स आती हैं और उनका यूज आता है। ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी आती है, क्वाड्रेटल्स आते हैं, सर्कल आता है, तब थोड़ा सा ढंग का ज्योमेट्री स्टार्ट होता है। लेकिन अगर उस ज्योमेट्री को पीआरएमओ के लेवल से कंपेयर किया जाए, तो वो ज्योमेट्री कुछ नहीं है, दैट इज नथिंग विद रेस्पेक्ट टू पीआरएमओ लेवल। अगर आप पीआरएमओ का एक क्वेश्चन देखोगे ज्योमेट्री का, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो हम लोगों ने कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं। तो जो जैसे लेक्चर्स में पढ़ाता जा रहा हूँ, बेसिक टू एडवांस सीरीज जो मैंने स्टार्ट की है, उसको अच्छे से देखते जाओ। अच्छा, एक कॉम्बिनेशन सीरीज के लिए, सबसे पहले वाले लेक्चर्स, इनिशियल लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, तो वो कॉम्बिनेशन सीरीज आपको पीआरएमओ में भी बहुत हेल्प करने वाली है। वो सेम कॉम्बिनेशन सीरीज आपको पीआरएमओ में भी हेल्प करने वाली है। एक अलग से हम लोग पीआरएमओ के लिए क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज भी देखते हैं, इफ रिक्वायर्ड, अगर तुम लोगों की डिमांड रहेगी तो कॉम्बिनेशन के बेसिस पे पीआरएमओ की क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज भी देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों की स्ट्रेटजी ये रहेगी, बाकी जैसे जैसे पढ़ाता जा रहा हूँ पढ़ते रहो अच्छे से, और जो भी डाउट्स आए, अगर आपकी कोई क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप कमेंट जरूर करें, आप कमेंट में पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी रहेगी। इसके अलावा जितना मैंने अभी शेयर किया है, उसके अलावा जो भी आपकी क्वेरी रहेगी, उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, अगली जो नेक्स्ट अपडेट आएगी, अगर कुछ नया आएगा इसके अलावा, तो आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट ऑल्सो, ठीक है, उसके लिए भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में हम लोग यही तक रखते, ठीक है। आई होप कि आपको कुछ मदद मिलेगी, और बेटा यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट, हमेशा आई एम हेयर टू हेल्प, ठीक है, मैं आपकी हेल्प करने के लिए ही हूँ। तो आप मुझे कांटेक्ट हमेशा कर सकते हैं, यू कैन लीव योर मेल, यू कैन लीव योर क्वेरी, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करूं, ठीक है। तो इस वीडियो में मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिलेगा, ठीक, इसको देखना अच्छे से और शेयर करते रहना। चलो फिर।